कवर टर्की सीरीज में आजकल इस्तांबुल की वारागर्दी का निज़ाम ऑन है। इस सीरीज में हम 3 दिन इस्तांबुल में गुजार चुके हैं, जिसमें हमने तारीखी आया सोफिया मस्जिद, इस्तांबुल के करीब प्रिंसेस आइलैंड, दुनिया के सबसे पहले शॉपिंग मॉल ग्रैंड बाज़ार, बॉस्फोरस क्रूज, तारीखी तकसीम स्क्वायर और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार शरीफ का विज़िट किया और साथ साथ हमने खाए तुर्की के मशहूर खाने। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ गलाटा टावर और आज के एपिसोड में हम करेंगे फेमस टर्किश ब्रेकफास्ट और एक्सप्लोर करेंगे गलाटा टावर का एरिया। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और टर्की का सफर हमारा जारी है और अभी भी मैं इस्तांबुल में फिर रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गलाटा टावर पे। ये टावर तकरीबन 550 साल पुराना है। वैसे तो ये 1300 साल पुराना है, लेकिन एक जंग में ये तबाह हो गया था। जो पीछे मेरे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 550 साल पुरानी है। ये टावर उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और अभी भी जब आप टर्की का कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई ऐड देखते हैं, कोई मॉडलिंग शूट देखते हैं, तो आप इस टावर को लाजमी देखते होंगे। ये इस्तांबुल की बहुत बढ़िया आइकॉनिक बिल्डिंग है। तो आज बदकिस्मती से इस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। इसके ऊपर जाएं तो आपको पूरा बॉस्फोरस बे का, सी ऑफ मरमरा का और पूरी सिटी का आपको व्यू नज़र आता है। तो अभी पुलिस से भी बात करते हैं कि अगर वो हमें ड्रोन उड़ाने दें तो हम इसकी फ़्लाइट ले लें, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसका जो राइट लेफ्ट एरिया है, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कैफेज बने हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोड़े आए हुए हैं, कपल, वो वाले जोड़े नहीं। और ये जो पत्थर है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे दीवारों पे भी लिखी गई है। हम इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये गलाटा का ही एरिया है, इस एरिया को ही गलाटा कहते हैं गलाटा टावर की वजह से। और यहाँ पे छोटे छोटे कैफेज हैं, लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, तो आज का सफ़र थोड़ा सा ऊपर ना जाने की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इस सारे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। गलाटा टावर एरिया एक्सप्लोर करने से पहले नाश्ता करना ज़रूरी है, तो पहले तुर्की का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मैं इनके कैफे पे आया हूँ, वेलवेट कैफे का नाम है गलाटा के पास। तो आज इनका एक प्लेटर है ट्रेडिशनल, जिसमें नाश्ते की तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। These are cheese. This one is olive oil. Olive oil. Yeah, this one is, we call it za'atar. It's a mixture of sesame and spices. You okay. Different spices. Okay, done. Yes. Homemade jam. Jam. Okay. Homemade peanut butter. Peanut butter. Wow. This is a traditional jam. We call it tahina pekmez. Tahina? Tahina pekmez. Tahina. Okay. This is sesame oil. Pekmez is grape jam. Okay. It's made from sesame oil. Okay. Yes, just the same. Butter. Butter. Honey. What is honey? Okay. Homemade tomato and pepper paste mixture. Olives. Salad. Grapes. अच्छा, ये प्लेटर हमारा कंप्लीट हो गया है, साथ में ब्रेड भी थी, ब्राउन ब्रेड है और जो डोनट टाइप होता है, यहाँ पे रेडियो भी बड़ा बेचते हैं, इसके अंदर वो चॉकलेट और इस तरह की चीज़ें लगा के बेचते हैं, मक्खन भी लगाते हैं। ये डोनट है, थोड़ा हार्ड है और इसके ऊपर तिल लगे हैं। इन चीज़ों के साथ हमने इसको पाया तक मिल तक पहुँचाना है और साथ ही एक स्वीट पाई भी दे के गए हैं, इसमें भी चीज़ लगी हुई है। इसकी बड़ी टेम्पटिंग सी स्मेल है। हाँ सर, जाओ दूरों चक्कर ला के आओ तो जान जान करना।
ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੈਮ ਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਬੜੀ ਹਾਲ ਹੈ। हमने जो कल खाई थी ना उधर वाइट टाइप थी, ये बहुत अलग। स्वीट पोटैटो और साथ क्यूकम्बर है, साथ ग्रेप्स हैं। ये पेस्ट है टोमेटो की और लाल मिर्च की। इसमें दो तरह के हमारे पास ऑलिव्स हैं एज़ यूजुअल, और साथ ये इनकी सीसम ऑयल के साथ कुछ मिक्सिंग है। ये इनकी ट्रेडिशनल, ये जो आप ब्राउन कलर की देख रहे हैं, ये जैम आ गया। और ये इनके ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं, ये हनी आ गई। ये क्या था भाई ने बताया था, ये ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल के साथ पता नहीं की। और ये है जी मक्खन, और ये है साथ हनी। ये हनी है, हाँ वो मक्खन था। तो बीच में दो तरह की चीज़ है और उसके ऊपर दो चेस्टनट पड़े हुए हैं। होने खा जो तीन तरह के मक्खन है जी, तीन तरह की चीज़ है जी आपके पास। अब इनका नाम नहीं मुझे आता। नाश्ता ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें दो चार चीज़ें ज़्यादा हैं। उनके ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं, ये चीज़ नहीं थी। ये सीसम ऑयल से बनी हुई कोई एक चीज़ है, ये भी नहीं थी। सर टोमेटो पेस्ट के साथ स्पाइसेस हैं, ये भी नहीं थी। और ये भी इनकी ट्रेडिशनल चटनी है, ये भी नहीं थी। बाकी चीज़ें वही हैं, चार चीज़ें डिफरेंट हैं। और ग्रेप थोड़े दिए उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ना खाना। ये इनकी सीसम ऑयल के साथ किसी चीज़ की मिक्सिंग है। पता नहीं क्या है, लेकिन है बहुत मज़ेदार। ये चीज़ रहती है, उन्होंने कहा था कि आपने ये तीन साथ हमारे डिफरेंट स्पाइसेस हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ इसे ट्राई करें तो आप इसे पहले लगा लें। और टर्किश टी भी जी जी है, प्लीज प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, अब इसके साथ देखते हैं क्या निज़ाम बनता है इसका। हर चीज़ खाने से पहले आप इसको हल्का सा छिड़क भी सकते हैं। जी इस मुख से ये दी गई है, ये चीज़ खड़ी करते हैं आ रही है, ज़रा डिफरेंट चीज़ लग रही है। सिक्सटी लीरा का ये नाश्ता है, और जितनी इसमें वैरायटी है, जितनी अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन है, जितना एम्बियंस है, ये बड़ा अच्छा पैकेज है, बेहतरीन है। स्पेस को यूटिलाइज़ करने की जो साइंस है ना, वो इन लोगों पे ख़त्म है। ये मेरे पीछे आप जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये एक छोटी सी शॉप है, बिल्कुल छोटी सी शॉप है, और ये इतना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने, इतना ज़बरदस्त। और बाहर से भी इनको इतना इन्होंने अच्छा किया हुआ है कि हम लोग अंदर नहीं बैठे, अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, लेकिन हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। बड़े ही एस्थेटिकली ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और आर्टिस्ट हैं सारे। इस मीनार की 10 मंजिलें हैं, जिसमें से लिफ्ट आपको 7वीं मंजिल तक लेके जाती है। अगली 3 मंजिलें आपने ख़ुद से जाना होता है सीढ़ियों पे। तारीख में जो इंसान ने तजर्बात किए हैं हवा में उड़ने के, उसमें से एक तजर्बा गलाटा ब्रिज के भी किया गया। एक मुसलमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ब्रिज से छलांग लगाई थी और 8 मील तक वो
परों से उड़ते रहे थे और वो पर आज भी इसकी 10वीं मंजिल पर सेफ करके रखे गए हैं। लेकिन बदकिस्मती वही है, इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप देखें इसे कवर किया गया, तो आप ऊपर नहीं जा सकते, वरना मैं आपको वो पर भी दिखाता। और ऊपर एक बहुत अच्छा कैफ़े है, तो उसमें ऐसे है कि लास्ट ईयर मेरा यहाँ पर ट्रिप हुआ था, तो उसकी तस्वीरें मैं आपको शो कर देता हूँ, इसका इनसाइड इंटीरियर। जो ख़वातीन है वो नहायत ही मेहनत कश हैं। अब ये जो पीछे आप मेरे रेडी देख रहे हैं, ये एक आंटी ने लगाई हुई है, इसके पीछे वो एक 50 प्लस एजिड खातून है जो कि हेयर बैंड इसके सेल कर रही है। हम जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ का जो नाश्ता था, वहाँ पे 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 20 लोग हैं, उसका नाश्ता उनकी ऑनर खुद बनाती थी और उनके साथ कोई हेल्पर भी नहीं था। तो बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी कॉन्फिडेंट है ये ख़वातीन। हमें भी अपनी ख़वातीन को इतना ही कॉन्फिडेंट करना है। मैं अपने शहर में जब लड़कियों को पाकिस्तान में बाइक चलाता देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मोर पावर टू गर्ल्स, ये जो है होना चाहिए। और मुझे उन लोगों पर गुस्सा भी बड़ा चढ़ता है जो मुड़ मुड़ के उनको देखते हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें और ख़वातीन को एतमाद दें और उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें। और टर्की में आके मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी है कि यहाँ पर बड़ी सपोर्ट है औरतों को और वो इंडिपेंडेंट है। गलाटा टावर को अपनी पिक्चर में पूरा लेने के लिए लोग यहाँ पे बड़े टेढ़े मेढ़े एंगल लगाते हैं तस्वीर खींचने के लिए। इसमें आपकी कमर रह जाती है क्योंकि आप उसके बिल्कुल बेस के नीचे खड़े हुए हैं, अगर आप दूर जाएं तो आपके कैमरे में ये मुकम्मल आ सकता है। लोग यहाँ पे कैफ़े पे आ जाते हैं, यहाँ पे टर्किश टी लेके बैठ जाते हैं और पीते रहते हैं साथ साथ। और ये छोटा सा समझ लें कि कैफेटेरिया एरिया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैफेज़ हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते। हाय गलाटा, गलाटा के इर्द-गिर्द जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप डिफरेंट स्ट्रीट से जाके अच्छा व्यू ले सकते हैं टावर का। सेल्फीज़ यहाँ लोग बहुत टेढ़े मेढ़े होकर लेते हैं, वो एक हमें बड़े मज़े की चीज़ लग रही थी। बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि पिक्चर और टावर सारे एडजस्ट हो जाएँ बीच में, तो हमने काफ़ी लोगों की पिक्चर्स भी खींची यहाँ पर। लेकिन जब हमने कहा कि आप हमारी पिक्चर ले लें तो 3-4 लोगों ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो बहरहाल फाइनली वी हैड वन। गलाटा का विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने एग्जर्शन किया, काफ़ी गलियों में एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे बहुत प्यारी गिफ्ट शॉप हैं, छोटे छोटे गिफ्ट आपको 5 लीरा से लेकर और आगे जितना आपका बजट हो आप ले सकते हैं। सुवेनियर्स हैं बहुत ज़्यादा और बड़े ही प्यारे रेस्टोरेंट हैं। हवा यहाँ पे वैसे ही सारा दिन चलती रहती है तो यहाँ पे बड़ा एक रोमांटिक सा माहौल रहता है। और अभी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से हम ऊपर नहीं जा सके जैसे कि आपको बताया, और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमें बताइएगा आपको इसकी हिस्ट्री और ये एरिया कैसा लगा और हमारा ये सफ़र कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। डिस्कवर टर्की सीरीज़ में इस्तांबुल की आवारागर्दी अभी जारी है, जिसमें अभी बहुत कुछ देखना और काफ़ी कुछ खाना बाकी है। जल्द ही अपने इस ट्रिप का एक्सपेंस और प्लान भी आपसे शेयर करूँगा, जो कि काफ़ी दोस्त पूछ भी रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तकसीम स्क्वायर की तारीख के बारे में और खाना चाहते हैं इस्तांबुल के मशहूर कबाब, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर प्रोग्राम है तुर्की के खूबसूरत जजीरे प्रिंसेस आइलैंड की सैर का, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।